बसी सबके इस घर की बिटिया। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बिटिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश में युवा प्रतिभाओं और उनकी उद्यमिता को सलाम करता हमारा ये नया शो स्टार्टअप चैंपियन, और मैं हूं आपका होस्ट अजय मिश्र। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने एक सपना देखा, सपना देश के उद्यमियों को एक नए पंख लगाने का, दुनिया में सबसे युवा देश को उद्यमी बनाने का और उद्यमिता का एक नया माहौल देश में क्रिएट करने का। सपना था स्टार्टअप इंडिया का, और इस 5 सालों के सफर में स्टार्टअप इंडिया का सफर एक नई कामयाबी पर पहुंच चुका है। आज भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बन चुका है। आज भारत का इकोसिस्टम दुनिया का सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है, और इसी सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए हम ये खास प्रोग्राम लेकर के आए हैं। और मेरे साथ इस प्रोग्राम में 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये सभी स्टार्स हैं स्टार्टअप इंडिया के। मेरे साथ मेरे पहले दोस्त हैं माधव क्षत्रिय, जो कि कॉर्नेक्स्ट के सीईओ हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद माधव, आपने हैदराबाद से वक्त निकाला और आपको एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज में जो स्टार्टअप इंडिया 2020 का अवार्ड मिला उसके लिए बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ हमारे दूसरे दोस्त हैं मधुचंदन, जो कि मैसूर के पास एक जिला है छोटा सा मांड्या, आप वहां से पधारे हैं दिल्ली स्टूडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद मधु। और हम आपके सफर को भी सेलिब्रेट करेंगे इस कार्यक्रम में, और आपको ऑर्गेनिक फील्ड में या एग्रीकल्चर फील्ड में जो अवार्ड मिला उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और हमारे आज के तीसरे और बहुत ही खास मेहमान वेदांत, बहुत बहुत धन्यवाद। डिजिटल मीडिया से कहां आप आ गए, बिल्कुल फूड डिलीवरी के सिस्टम में, समझेंगे आपसे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और फूड डिलीवरी के सेक्शन में जो आपको अवार्ड मिला उसके लिए आपको बधाई। तो ये जो तीनों हमारे जो साथी थे उनके साथ साथ हमारे साथ जो ऑडियंस है वो भी बिल्कुल लाइव हमारे साथ जुड़ी हुई है। जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, बहुत सारे जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इसमें शामिल हैं। प्रभा आईएएस में तैयारी कर रहे कुछ ऐसे छात्र जो कि अपना भविष्य देख रहे हैं ब्यूरोक्रेसी में, वो शामिल हैं। गुजरात से हमारे साथ मैडम आई हैं जो कि खुद अपना स्टार्टअप चलाती हैं। बरेली से भी एक हमारे दोस्त हैं जो कि इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो एक तरह से हमने पूरा पैन इंडिया इकोसिस्टम बनाने की छोटी सी कोशिश की है स्टूडियो में। लेकिन सबसे पहले, इससे पहले कि हम आज के इस चर्चा की शुरुआत करें, आपको लिए चलते हैं एक 5 सालों के स्टार्टअप इंडिया के सफर पर, और आपको हम दिखाते हैं कि कैसे स्टार्टअप इंडिया का सपना जो प्रधानमंत्री ने देखा था वो अब हर जिले हर कस्बे में पहुंच चुका है। आइए दिखाते हैं आपको ये खास स्टोरी। हिंदुस्तान का कोई जिला, हिंदुस्तान का कोई ब्लॉक ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में नए स्टार्टअप शुरू ना हुए। क्या भारत ये सपना नहीं देख सकता कि हम दुनिया में स्टार्टअप की दुनिया में भारत नंबर 1 पर पहुंचेगा? आज हम नहीं है भाइयों बहनों, ये स्टार्टअप को मुझे बढ़ गए, और इसलिए मेरा सरकार है आने वाले दिनों में स्टार्टअप इंडिया और देश के भविष्य के लिए स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया। पीएम मोदी ने 5 साल पहले देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने का एक सपना देखा, सपना युवाओं की ऊर्जा को नए पंख देने का, नए आइडियाज को बड़ी उड़ान देने का, ऐसे आइडियाज जो देश को बदल सके, देश की समस्याओं का खुद का अपना समाधान ढूंढ सके। सपना था हिंदुस्तान के कोने कोने में स्टार्टअप का जाल बिछाने का, एक ऐसा इकोसिस्टम जो सरकार या निजी क्षेत्र की तरफ नौकरियों के लिए ना देखता हो बल्कि कुछ लोगों को रोजगार देने की क्षमता रखता हो, क्षमता देश की समस्याओं का हल ढूंढने की, लोगों की जिंदगियों को आसान बनाने की, क्षमता नए भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की। 5 साल पहले देखा गया सपना अब जमीन पर कैसा नजर आता है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। आज भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ इकोसिस्टम बन चुका है। आकार के लिहाज से ये अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। यही नहीं, यूनिकॉर्न यानी $1 अरब से बड़ी कंपनियों की संख्या में भी भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। ब्रिटेन, फ्रांस, सिंगापुर, जर्मनी, साउथ कोरिया, स्विट्जरलैंड, हांगकांग भी भारत से पीछे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा स्टार्टअप कंपनियां सिलिकॉन वैली में हैं।
और यहाँ का भारतीय कनेक्शन किसी से छिपा नहीं है। बात अगर भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की करें तो देश के 590 जिलों में 41,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स भारत के कोने कोने में काम कर रहे हैं। 23 राज्यों के 224 जिले ऐसे इलाकों में हैं, जिसे टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज के तौर पर जाना जाता है। औसतन एक स्टार्टअप 11 लोगों को नौकरी देता है और अब तक 4,60,000 नौकरियां पैदा हो चुकी हैं। 44% स्टार्टअप में महिला एंटरप्रेन्योर्स कंधे से कंधा मिलाकर देश की समस्याओं का हल ढूंढने में अपना योगदान दे रही हैं। सरकार के 10,000 करोड़ रुपए के फंड ऑफ फंड्स देश के 338 स्टार्टअप्स में निवेश भी कर चुके हैं। कोविड के दौरान ही भारत ने 10 नए यूनिकॉर्न यानी $1 अरब की स्टार्टअप कंपनियों को जन्म दिया। 648 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट डील्स हुई। ई कॉमर्स, एड्यूटेक, फूड टेक, लॉजिस्टिक्स यानी खेती बाड़ी से लेकर खुद की मैन्युफैक्चरिंग तक, कृषि से लेकर स्पेस तक, ब्लॉकचेन से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, हर जगह स्टार्टअप्स की धूम है। आज खेती से लेकर स्पेस सेक्टर तक जो अभूतपूर्व रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, उनमें स्टार्टअप्स के लिए स्कोप लगातार बढ़ रहा है। आपको इन नई संभावनाओं के लिए खुद को तैयार करना है। आज के स्टार्टअप ही कल के मल्टीनेशनल्स हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए सरकार ने एक ओर घरेलू स्तर पर जहां 19 से ज्यादा एक्शन पॉइंट्स के जरिए करीब 40 बड़े रिफॉर्म्स किए, तो वहीं दूसरी ओर दुनिया के कई देशों के साथ स्टार्टअप संबंधों को लेकर समझौते भी किए। फंडिंग हो या फिर टैक्सेशन के मोर्चे पर राहत देना, बाजार तक पहुंच बनानी हो या फिर थामना हो मेंटर्स का साथ, स्टार्टअप इंडिया हब पूरे सिस्टम के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। तो आपने ये खूबसूरत सी स्टोरी देखी, लेकिन स्टार्टअप का मतलब केवल वैल्यूएशन या फिर बूट ट्रैपिंग या फिर कहें कि थोड़ा सा वेंचर कैपिटल निवेश मिल जाए, इन सब से आगे बढ़कर स्टार्टअप्स का ये मतलब है कि आप समस्याओं का समाधान कितना करते हैं। जो भारत के ग्रैंड चैलेंजेस हैं उनका समाधान करने में स्टार्टअप इकोसिस्टम कितनी मदद कर सकता है, चर्चा का यही विषय है। और आज हमने एग्रीकल्चर और लाइट सेक्टर, फूड सेक्टर को इसीलिए उठाया है क्योंकि यहां पर इस सेक्टर के जो ग्रैंड चैलेंजेस हैं वो किसी से छिपे नहीं है। किसानों की आमदनी को दोगुना नहीं, तीन गुना, कई गुना करने की जरूरत है। और इसीलिए शायद एग्रीकल्चर के साथ साथ दूसरे जो सेक्टर्स हैं उन पर भी ध्यान देना होगा। और आज की जो हमारी पहली कहानी है वो है कॉर्नेक्स्ट की, जो कि डेयरी सेक्टर से जुड़ा है। हम जानते हैं कि जो भारत है वो दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री है, लेकिन यहाँ पर जो कैटल की समस्या है, ग्रीन फॉडर की समस्या है, उसके लिए जब तक इनोवेशन नहीं आएगा एग्रीकल्चर में, जब तक आप टेक्नोलॉजी नहीं डालेंगे, इनोवेशन नहीं डालेंगे, तब तक आपकी खेती की जो आमदनी है उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। तो हमारी आज की पहली कहानी कॉर्नेक्स्ट की, और उसके बाद इस चर्चा को शुरुआत करेंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा दूध भारत में पैदा होता है और इसके साथ ही साथ पशुपालन और डेयरी सेक्टर में लाखों लोगों को रोजगार भी मिलता है। लोगों की दूध के इस्तेमाल का औसत भी बीते दिनों में बढ़ा है, लेकिन एक परेशानी पशुओं के लिए हरे चारे को लेकर आती है। आखिर हमारे पशुओं को ही तंदुरुस्त रखने वाला चारा नहीं मिलेगा तो दूध में शक्ति कैसे आएगी? एक स्टडी के मुताबिक देश में चारे की किल्लत 2025 तक 40% तक पहुंच सकती है, और इसी समस्या के समाधान के लिए चाहिए एक इनोवेटिव सॉल्यूशन की। लेकिन जहां पर समस्या है वहां समाधान भी होता है, और हैदराबाद के एक स्टार्टअप कॉर्नेक्स्ट ने, जिन्होंने पूरी समस्या पर काम किया, और इस सफर में टीम कॉर्नेक्स्ट की मेहनत और ईमानदारी साफ दिखाई देती है। कॉर्नेस्ट हैदराबाद की एक एग्रीटेक कंपनी है। कंपनी ने चारे को लंबे समय तक हरा भरा रखने के लिए काम किया है, जो देश के एक बड़े हिस्से को इस परेशानी का हल आसानी से दे सकती है। माधन क्षत्रिय, अमरनाथ सारागुला, फिरोज अहमद की साझा मेहनत ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई और इसके लिए इन्हें नेशन स्टार्टअप अवार्ड दिया गया। We never thought of making, smaller bales. We never thought. When it went to the market,
the handling of 400 kilograms bales was very difficult by these farmers. 1.5 crore is unimaginable to an Indian dairy farmer or Indian entrepreneur, village level entrepreneur. So without changing the scientific principle, we have achieved almost 1.5 years of complete R&D. We have achieved a quality of silage which is equivalent to European balers. So that is where, and we have got the patent also for that. We are making a rural fodder entrepreneurship karke humne ek program banaya hai, where in which whoever buys this small baler machine, we are taking care of every aspect of the entrepreneurship model. तो इन नई तकनीक से किसानों की लागत भी कम हुई और इसी वजह से पूरी दुनिया में इस प्रोडक्ट को पहचान मिली है. कंपनी भारत के 20 राज्यों के अलावा केन्या, कुवैत, नेपाल, थाईलैंड और बांग्लादेश में भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है. कॉर्नेक्स्ट अपनी स्टार्टअप सफर के दौरान इस सेक्टर में दूसरे स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा दे रही है. गांवों में युवाओं को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए कंपनी ने फ्रेंचाइजी मॉडल पर भी काम शुरू कर दिया है. अभी तक 100 युवा कंपनी के साथ जुड़ भी चुके हैं. कंपनी की योजना ई कॉमर्स सेक्टर में भी आने की है. योजना एक नए किसान कारोबारी नेटवर्क बनाने की भी है, जिससे किसानों को विश्व स्तर की तकनीक सस्ते दामों पर मुहैया कराई जा सके और मेक इन इंडिया को बढ़ावा भी मिले. तो आपने देखा किस तरह से एक छोटी सी आइडिया ने एक बड़ी समस्या का समाधान ढूंढने में मदद की. और अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि आज के जो हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे भी आप काम परिचय करा दें. मेरे साथ सिलीगुड़ी से जुड़ रही हैं सिद्धि करनानी. सिद्धि करनानी, बहुत धन्यवाद आपका. और मुझे मालूम है कि आप ऑर्गेनिक्स के दुनिया में बहुत बड़ा काम कर रही हैं. नॉर्थ ईस्ट के 2200 किसान आपके साथ काम करते हैं. 2017 में आपको अवार्ड भी मिल चुका है स्टार्टअप के लिए, और साथ ही साथ आप फोर्ब्स वुमेन अचीवर अंडर 30 में भी लिस्ट हो चुकी हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. तो आपने ये खूबसूरत स्टोरी देखी कॉर्नेक्स्ट की, और ये बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है, क्योंकि आपको केवल एक एंटरप्रेन्योर की नहीं बल्कि मुझे लगता है कि देश के कोने कोने में कई सारे एग्रीप्रेन्योर्स की जरूरत है. तो एंटरप्रेन्योर से एग्रीप्रेन्योर बनने का जो सफर है वो कैसा रहा कॉर्नेक्स्ट का, आप चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं. भावे एक बार बहुत धन्यवाद आपका, फिर से एक बार स्वागत करता हूँ. और सबसे पहले कि आइडिया आया कैसे और कैसे शुरुआत हुई इसकी. ओके, तो आई वॉज अ मैनेजमेंट प्रोफेशनल, मैं इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में काम करता था. मुझे ऐसा लगा कि इंडिया में एग्रीकल्चर का बिजनेस वैल्यूज और बिजनेस का जो प्रोफेशनलिज्म यूज़ करेंगे तो ये बहुत अच्छा स्केलेबिलिटी अचीव कर सकते हैं. तो इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च हैज़ पुट दैट 50% शॉर्टेज ऑफ ग्रीन फॉडर कंट्री में. तो हमको लगा कि क्यों ना इसको हम कंट्रोल करें, क्यों ना इसका एक सोल्यूशन लेके आए. सो दैट्स वॉट लेड मी टूवर्ड्स कॉर्नेक्स्ट. And before that, I was also a dairy farmer after quitting my job. मैं साढ़े लाइक से चार साल मैंने डेयरी फार्म चलाया था. तो वहाँ पे जो इनोवेशंस किया था नज़दीक में, और हमारा स्टेट जो है आंध्र प्रदेश में, वी वर एबल टू गेट होल्ड ऑफ वेरी गुड मीडिया अटेंशन. तो मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम खाली एक फार्म से नहीं होगा, पूरा देश का है. सो क्यों ना हम इसको एक चैलेंज लेके एक बिजनेस सॉल्यूशन के रूप में लेके. मतलब आपने पहले चैलेंज आपको दिखा ऑन फार्म, आपने मेरे ख्याल से 4 या 5 साल डेयरी इंडस्ट्री में काम किया और उसके बाद इस सॉल्यूशन पर पहुंचे. लेकिन ये जो फिरोज भाई लॉजिस्टिक्स में काम करते हैं या फिर अमरनाथ भाई जो कि एमबीए और आईआईटी में है, मैं जानना चाहता हूँ ये स्टार्टअप होने के लिए एमबीए आईआईटी ये सब में पढ़ाई करना जरूरी है या हम लोग भी कुछ कर सकते हैं? नहीं, कोई जरूरत नहीं सर. इट इज इंसिडेंटल कि हम थोड़े पढ़े लिखे हैं, बट ऑल्सो वी आर नॉट क्वालिफाइड वेटरनेरियंस. हम तो जिस इंडस्ट्री का नॉलेज चाहिए वो तो बिल्कुल नहीं है. बट मैं गोबर उठाता था तो लाइक से मिल्किंग करता था. सो वी वर हैंड्स ऑन. हमको ये समझ में आया कि इसको करने के लिए यू नीड टू बी हैंड्स ऑन और पैशनेट. एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसमें सक्सेसफुल होने के लिए आपको पैशन की जरूरत है. तो आप लोग किस तरह से काम करते हैं? तो पैशन की बात हुई, पर ये पूरा थोड़ा सा बैकवर्ड लिंकेज फॉरवर्ड लिंकेज मुझे समझाइए, आप लोग काम कैसे करते हैं? तो इंडियन डायरी के फॉरवर्ड लिंकेजेस जो है बहुत अच्छा एस्टेब्लिश हो गया. अमूल आप 1 लीटर भी प्रोड्यूस करो, इट रीचेस हैदराबाद फ्रॉम गुजरात. तो बैकएंड जो है बैकवर्ड लिंकेजेस वो बहुत देयर इज अ बिग वे टू अप्रोच.
तो हमको ऐसा लगा कि इसमें जाएंगे तो अच्छा लगेगा, मीन दैट्स व्हाट वी डिड। लेकिन अभी क्या करते हैं आप, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो प्रोडक्ट्स किस तरह से काम करते हैं, और अगर कोई आपका प्रोडक्ट यूज करता है तो क्या वाकई प्रोडक्टिविटी में कुछ एनहांसमेंट होता है, कुछ ऐसा स्टडी आपने लोगों ने किया? Right. मैं दो चीजें बोलना चाहता हूँ सर। 6 साल पहले जब हमने शुरू किया था, वी आर इम्पोर्टिंग द मिशन, तो टेक्नोलॉजी बहुत एक्सपेंसिव था, लगभग 5-6 करोड़ की जरूरत है। सो वी हैव मॉर्टगेज्ड एवरीथिंग दैट वी हैड एंड एवरीथिंग दैट वी डोंट हैव ऑल्सो। हमारे पास जो है, हमारे पास जो नहीं है, सारा कुछ इसमें रिस्क कर दिया। देन क्योंकि हमारा इंजीनियरिंग का टीम है, मैं अमरनाथ जो है इंजीनियर है, सभी बैठ के इस मिशन को 3% की कॉस्ट में, जो आपको इंपोर्ट करना है तो 5 करोड़, जो हमारा मिशन जो है अभी 15 लाख में आ जाएगा। सो दिस इज नाउ क्रिएटिंग 150, अभी हो चुका है। वी होप कि आगे जाते हो और 500 एंटरप्रेन्योर्स को हम क्रिएट करेंगे। 500 एंटरप्रेन्योर्स, तो ये होती है स्टार्टअप की जर्नी कि आपने जो 5 करोड़ का जो कॉस्ट है उसको 15 लाख में कर दिया, एक्सेस जो है उसको आसान कर दिया, और बहुत सारे लोगों को जोड़ भी रहे हैं, केवल अपने तक सीमित नहीं है। लेकिन आपने कहा कि आपको बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ा, जो कुछ था जो कुछ नहीं भी था, तो आपके साथ जुड़े हुए कुछ लोग हैं, उन्होंने आपके बारे में कुछ कहा है, चलिए एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। It has been a roller coaster ride. मेहनत भी है, happiness भी है। उन लोग 24 hours में 19 hours सिर्फ 5 hours सोने के लिए निकालना है। We invested the last penny. We collected all the funds from all our relatives and well-wishers. मैं थोड़ा gold भी दे दी थी अपना। When he showed me that video and said he wanted to go into it, I was like, can't we just do a simple business? Salary कम हो गया। बहुत से ऐसे दिन आके रातों में सोए नहीं हम लोग। I was scared. She was only 3 months old. So at that time he was not available like any time. बच्चे तो बहुत छोटे थे मेरे। Totally scared. We had a kid who was like 3-year-old. पापा का प्यार था मुझसे। I missed him a lot. We used to hug very tightly. Papa कहते हैं, नहीं नहीं बहुत अर्जेंट काम है, आऊँगा फिर 2 दिन के बाद आऊँगा। Then he comes after 1 month. I knew he was doing something good. It's the thrill which comes along with the pain, right? एक अच्छा काम के लिए उन्होंने बाहर गए बोल के, अच्छा और अच्छा करना। We are the Cornish family. I started making myself understanding his beliefs, his dreams, and then started believing in his dream. Sapna to pura ho raha hai. Last penny tak invest kiya, gold dena pada kuch logon ko. Itna asan nahi hota. Logon ko baad mein valuation dikhti hai aur dikhta hai ki bhai 500 million, 100 million dollar is round mein mile hain. Lagta hai uske pehle bahut zyada pain lena padta hai. Kya kahenge? I mean, you'll have to, slog at least for 10 years before you are seen as a successful, company. So, if you have the guts to spend 3,650 days of frustration, then you very well become an entrepreneur ban jao. Madhav Shastri, अगला stage क्या होगा? क्या आप कुछ नए product पे innovate करेंगे या फिर कुछ नई technology लेकर के आएंगे? क्या सोच रहे हैं आप? So, sir, ये जो technology हम बनाया था, सबसे सस्ता 3% का, now we are becoming an agri-tech company where हमारा ई कॉमर्स में सेल शुरू होना लग से शुरू होने वाला है। सो पूरा देश में जो भी रूरल एंटरप्रेन्योर हमारा प्रोड्यूस करेंगे, सो वी आर गोइंग टू गिव देम इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दे देंगे, बायबैक अरेंजमेंट हो जाएगा उनके साथ, और उनको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। तो ये सपना है कि जैसे कि मोदी जी बता रहे हैं, हर एक जिला में हमारा एक यूनिट रहेगा, एंड हमारा यूनिट हर एक विद इन द डिस्ट्रिक्ट जो भी रिक्वायरमेंट है फॉर्डर का वहाँ पे सप्लाई हो जाएगा सर। मीन सो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन यूजिंग रूरल एंटरप्रेन्योर्स जो है उन सभी को हम इंटीग्रेट करके एक बहुत बड़ा सपना देख रहे हैं आगे 5 साल में। आई होप कि मुझे लगता है ना अब एक चीज बड़ा फैशन में है, लोग A2 मिल्क आजकल ना एक नया नाम निकल गया, जो पहले हम लोग अपने घर की चीज करते थे उसके लिए थोड़ा सा फैशनेबल नेम आ गया, इसलिए सब लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। क्या आप वाकई ऑर्गेनिक चारे वारे पे काम करने जा रहे हैं या फिर ऐसे चलता रहेगा? तो A2 की कॉन्सेप्ट जो है, मीन इंडिया में जो देसी गाय हो या भैंस हो, ये सभी तो A2 मिल्क ही होगा। सो इंडिया में तो A2 इज वेरी सेफ, मीन वो तो अवेलेबल है। ऑर्गेनिक जाने की इरादा तो है, पहले तो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बाद में ऑर्गेनिक बनेंगे, पहले तो प्रॉब्लम इज मोर बिगर बिफोर वी टर्न टू बेटर थिंग्स। तो
कैन यू शेयर सम ऑफ द नंबर्स, आप अभी कहाँ खड़े हैं और आप लोग प्रोजेक्शन क्या है अगले 5 साल में, अगर हम देखें आप कहाँ पहुंच रहे हैं? तो पहले साल हम 4 करोड़ का टर्नओवर किया था, उसके बाद 11, देन 18, देन 25, तो कोरोना हमको भी थोड़ा ये दे दिया, मीन वी आर क्लोजिंग एट अबाउट 14.5 crores 2020 का. So, आगे जाते हुए, we are looking at least 60 to 70 crore rupees in the next 1-1.5 years and build on from that. अच्छा, investment की क्या position है? क्या बाहर से लोग interest दिखाते हैं? ये sector कैसा लगता है investors से जब आप बात करते हैं तो? तो आप सही, बहुत अच्छा प्रश्न है सर. When we started, agriculture is a no-no area. तो thanks to Modi ji, अभी agritech में there is lot of funding that is coming into it, and we hope we'll take some good advantage of the funding. अभी तक जो भी funding आया था, it is पर्सनली फंडेड, एक हो गए पर्सनली फंडेड. सेकेंडली एंजल इन्वेस्टमेंट है जो हमको करीब से देखा है, उन्होंने इन्वेस्ट किया था. सो अभी ये स्टार्टअप की जो व्यवस्था है, सो दे आर हेल्पिंग अस. वी प्रोबेबली वुड बी राइजिंग अराउंड 20-25 crore रुपीज इन द नेक्स्ट 1-1.5 ईयर. That's where we are, sir. चलो, तो माधव बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके सफर के लिए. और हमने आपकी ये जो स्टोरी देखी, मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे एग्रीप्रेनर्स इस देश में आप बना पाएंगे और बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ेंगे, और मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है. लेकिन उससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारे साथ दो बहुत खास मेहमान हैं. हमारे साथ दो एक्सपर्ट पैनल जुड़ रहा है. हमारे साथ है रोहताश माल साहब. रोहताश माल साहब को कौन नहीं जानता, एग्रीकल्चर अगर स्टार्टअप की दुनिया में अगर आप हैं तो इनका नाम शायद सभी ने सुना होगा. 40 साल का एक्सपीरियंस है. आप एयरटेल, भारती फील्ड फ्रेश के सीईओ भी रह चुके हैं. और हमारे साथ सिद्धि करनानी, जो कि 2017 में अवार्ड विनर हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर के, फोर्ब्स अंडर 30 वुमेन अचीवर हैं और ऑर्गेनिक के फील्ड में काम करती हैं, 2200 किसानों के साथ जुड़ी हुई हैं. आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. तो सिद्धि, आपने कॉर्नेक्स्ट की ये कहानी देखी, आपका क्या कॉमेंट है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं हमारों से? बहुत ही उन्होंने एक इंटरेस्टिंग एज वेल एज चैलेंजिंग सेगमेंट को चूज किया है, फॉर्डर जो कि काफी नेग्लेक्टेड सेगमेंट है. एक चीज मैं उनसे पूछना चाह रही हूँ कि जैसे दो टेक्नोलॉजी जो एंटरप्रेन्योर्स यूज कर रहे हैं जिससे कि वो फॉर्डर को ग्रीन रख पा रहे हैं, तो जब जो डेयरी फार्मर है वो ये उनका फॉर्डर लेता है तो क्या उसे वो ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है? ओके, सो कॉस्ट की बात कर रही है कि जो मार्केट में फॉर्डर है और आपका, आपके फॉर्डर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉस्ट वाइज कैसे आप प्लेस्ड हैं? तो ये कॉस्ट कंपैरेबल है, देयर इज नो एडिशनल कॉस्ट दैट यू आर गोइंग टू स्पेंड ऑन इट. इनफैक्ट साइलेज जब आप यूज करते हैं, कॉन्सेंट्रेट जो बहुत महंगा चीज होते हैं, 25-30% आप कम खिला सकते हैं, मतलब फार्मर के लिए बहुत फायदावर चीज है. तो न्यूट्रिशनल वैल्यू आपकी उतनी ही मिलेगी लेकिन कॉस्टिंग कम है. यस जी. सिद्धि, तो आपको लगता है कि बहुत सारे लोग जुड़ पाएंगे इनके साथ, जो इनका सपना है एग्रीप्रेन्योर्स का, ये अट्रैक्टिव लगेगा जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो हमारे साथ भी बैठे हुए हैं? जी बिल्कुल, जो इन्होंने बताया कि इन्होंने कॉस्ट इतनी कम कर दी है. हाँ. और जब अब फार्मर एंड पे भी अगर उन्हें ज्यादा कॉस्ट नहीं पड़ रही है, इनफैक्ट उन्हें ज्यादा रीजनेबल पड़ रहा है, तो ये मॉडल बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगा पूरी कंट्री में. बहुत बहुत धन्यवाद माल साहब. हमारे साथ कॉर्नेक्स के माधव हैं. उन्होंने एक पूरे साल हरा रहने वाला फॉर्डर बनाया है, कैटल इंडस्ट्री को वो कैटर कर रहे हैं, बहुत सारे एग्रीप्रेन्योर्स बनाना चाहते हैं. आपको क्या लगता है, आज का इकोसिस्टम तैयार है इस चीज के लिए? देखिए, साइलेज एटसेट्रा, एनिमल न्यूट्रिशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और करेक्ट एनिमल न्यूट्रिशन का पहुंचना गाय या भैंस रखने वाले के लिए नहायत जरूरी है. तो जहां तक मेरा विचार है, द डिमांड इज लिमिटलेस, नंबर एक. नंबर दो, द प्राइस इज ऑल्सो इलास्टिक, यानी कि अगर आप दिखा सकते हैं कि आपकी आपकी आपके परिश्रम से ये प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए फार्मर के पास उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसमें अच्छा असर पड़ सकता है, तो उसका प्रोडक्टिविटी की आप हिस्सा भी ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द प्राइसिंग. दिखाने की बात है और प्रूव करने की बात है. तो आपके दोनों सवाल शायद मैंने एड्रेस कर दिए. बहुत बहुत धन्यवाद सर. आप मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम में बने रहेंगे और हमारे जो दूसरे स्टार्टअप्स हैं उनको भी आप मेंटोर करेंगे. बहुत धन्यवाद, मैं वापस आपके पास लौटूंगा. एक छोटा सा मैं ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद फिर हमारी इंटरेस्टिंग कहानी एक दूसरे स्टार्टअप की, और यकीन मानिए कि वो स्टोरी भी इससे कम इंस्पायरिंग नहीं है. तो देखते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम स्टार्टअप चैंपियंस. Indian
Railway Finance Corporation Limited proposes an initial public offer of equity shares. The book-built issue is being offered at a price band of Rs. 25 to Rs. 26 per equity share. Issue opens on Monday, January 18th, 2021. Issue closes on Wednesday, January 20th, 2021. For risk factors and other details, please refer to the Red Herring Prospectus dated January 12th, 2021. Available on the websites of SEBI, BRLMs and the stock exchanges. गोल्ड ज्वेलरी खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखती है? मैं गोल्ड ज्वेलरी हमेशा BIS लाइसेंस्ड ज्वेलर से ही लेती हूँ और वो भी बिल के साथ। मैं ज्वेलरी पर हॉलमार्क और सोने की शुद्धता जैसे 22 कैरेट के लिए 22K916 जरूर चेक करती हूँ। मैं बिल पर 22 कैरेट और ज्वेलरी पर 22K916 अंकित है या नहीं ये चेक किए बिना नहीं खरीदती। सोना खरीदते समय ये सब जरूर देखें, ये सोने की शुद्धता की गारंटी है। तो आप भी स्मार्ट ग्राहक बनिए। क्या शर्मा रहा है, दांत खाज खुजली है, हमें भी होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बॉडी चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन फास्टेस्ट ट्रस्टेड टेस्टेड TDO से। जालिम लोशन गुलाब के खुलने लगे अब जिंदगी में रंग नए हम जहां DNB वहां। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्टार्टअप चैंपियन और हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आज के हमारे जो दूसरे स्टार्टअप हैं उनकी तरफ अब आपको लिए चलते हैं। अब आपको हम कर्नाटक ले जाएंगे और वहाँ मैसूर का एक बहुत छोटा सा जिला है मांड्या, और मांड्या कैसे धीरे धीरे ऑर्गेनिक बन रहा है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा खराब खाने की वजह से बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो रही हैं जिससे हम वापस वही खाना चाहते हैं जो हम आज से 50 साल पहले 100 साल पहले खाया किया करते थे। तो अब ये ऑर्गेनिक जो मांड्या है उसकी कहानी पहले आपको दिखाते हैं और उसके बाद जो हमारे खास मेहमान है स्टूडियो में उनसे बात करते हैं, आपको दिखाते हैं ऑर्गेनिक मांड्या की ये खूबसूरत कहानी। ऑर्गेनिक मांड्या मैसूर कर्नाटक से लगे एक छोटे से जिले का एक ऐसा ब्रांड जिसे घर घर में जाना जाता है। हर रविवार को मांड्या ऑर्गेनिक्स के सामने शाम रंग बिरंगी हो जाती है। कर्नाटक का मशहूर लोक नृत्य यक्षगाना डोलू कुनीता सब कुछ ऑर्गेनिक मांड्या की सफल कहानी का हिस्सा है। ऑर्गेनिक मांड्या की सफलता के पीछे जिस शख्स का हाथ है वो है मधु चंदन, जिन्होंने मांड्या में खेती को जैविक बनाने के साथ साथ यहाँ की ग्रामीण कला और संस्कृति को भी नया मोड़ दिया। मधु चंदन का ऑर्गेनिक मांड्या एक ऐसा स्टार्टअप है जो युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है, लेकिन मधु चंदन के लिए ये राह आसान नहीं थी। मांड्या में सूखा और किसानों की सिलसिलेवार आत्महत्या की खबरों ने मधु को अंदर से तोड़ कर रख दिया। कुछ दिन मांड्या में बिताने के बाद समझ में आया कि यहाँ खेती किसानी करने का गलत तरीका ही किसानों को तबाही की ओर ले जा रहा है। मधु मांड्या से अमेरिका तो लौटे लेकिन मांड्या की हालत उन्हें बेचैन करती रही और फिर हुआ एक बड़ा फैसला, देश वापसी का, शुरुआत एक नए सफर की। ऑटो में जाने के वक्त ड्राइवर से बातचीत कर होता था, वो उसको पूछता था मैं किधर से हो, सब मोस्ट ऑफ द लोग बोला हम लोग मांड्या से हैं। मैं पूछता क्यों मांड्या से इधर ऑटो चला रहे हो, मांड्या में खेती नहीं है। सब लोग बोला था खेती है, हमारे पास 2 एकड़ है, हमारे पास आधा एकड़ है, हमारे पास 5 एकड़ है, मगर खुशी में कुछ नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, इसलिए बैंगलोर आके ऑटो चला। अमेरिका से वापस आने के बाद हमको ये किया, हमारा फार्मर सुसाइड कम करना है, इधर का युवा लोगों को वापस ले आने का, उसी आइडिया पे शुरू किया। मधु ने अपने दोस्तों के साथ अपने एक मिशन को शेयर किया। मिशन था मांड्या को केमिकल फ्री बनाना और जैविक खेती को अपनाना। मधु ने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बनाई और किसानों को जुटाकर उन्हें जैविक खेती के बारे में बताया, जो किसानों के लिए नया नहीं था, बल्कि किसान इसे पीछे छोड़ चुके थे और अब किसान जैविक खेती का महत्व समझने लगे। मांड्या ऑर्गेनिक्स ने शुरुआती महीनों में भी 1 करोड़ का मुनाफा दर्ज कर लिया। ऑर्गेनिक मांड्या किसानों और उपभोक्ताओं के बीच एक खाई को पाटता है। मधु और उनके 4 IT दोस्तों ने साथ मिलकर 20 लाख रुपए से शुरुआत की थी, जो उनके जीवन की गाढ़ी कमाई थी, लेकिन उनका ये दांव रंग लाया। We all are three of them are batchmates. We were discussed, so we do something for farmers. So at that time we did on cooperative society.
So we did one cooperative society and we decided and went to villages. So when we went to villages and spoke to farmers, earlier no one was agreeing. So we convinced. किसानों को बाजार और शहरों में ग्राहकों के साथ जोड़ने के साथ साथ मधु ने स्वेट डोनेशन कैंप यानी पसीना दान का एक ऐसा कॉन्सेप्ट शुरू किया। गांव में किसानों को खेती के लिए मुफ्त मजदूर मिलने लगे और शहरों में लोगों को अपनी मर्जी से खेती को समझने और करीब से जानने का मौका मिला। खेतीबाड़ी से युवाओं और छात्रों को कैसे जोड़े, यही मधु का अगला सपना है। वे मंडिया में खेती किसानी का डिज्नीलैंड बनाने की योजना बना रहे हैं, जहां भारत के प्राचीन कृषि से जुड़ी परंपराएं और तौर तरीकों को दिखा सके और ये ऑर्गेनिक मंडिया की कामयाबी के इस सफर को देश के कोने कोने तक फैला सके और देश भर के किसान इसका भरपूर लाभ ले सके। तो आपने ये कहानी देखी और इस कहानी के जो मुख्य किरदार हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं, मधुचंदन। मधु, एक बार बहुत बहुत स्वागत आपका। आप कर्नाटक से यहाँ पर पधारे, आपके तो नाम में मधु है, इतना खूबसूरत नाम आपका। और चंदन मतलब मैसूर का चंदन कौन नहीं जानता है। तो फिर ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये फिर फार्मर कैसे बनने की सोचने लगा? मैं वापस क्यों आया, मैं बिजनेस करने के लिए नहीं आया। ओके। मैं अमेरिका में, हमारा सॉफ्टवेयर कंपनी था, उधर से बैंगलोर में R&D सेंटर था, 3-4 महीने एक बार आता था। इधर बेंगलुरु आने के बाद ऑटो में घूम रहा था ना, उधर सभी ऑटो ड्राइवर से बात कर रहा था, सभी बोला मैं मंडिया से हूँ। आप भी मंडिया से हैं? मैं भी मंडिया से हूँ। मंडिया एक काल था, 20-30 साल के पहले रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट था। अभी देखे बेंगलुरु में 60% ऑटो चलाने वाला, कैब चलाने वाला, रसोई होटल में दो, सर्विस इंडस्ट्री की तरफ, सर्विस इंडस्ट्री में दो, वो सब 60% युवा लोग मंडिया से है। सबके पास जमीन है मगर कोई कृषि में नहीं कर रहे। हम लोग पढ़ते हैं, एक जगह से पैदा होता है, पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद हम लोग उड़ जाते हैं, कभी वापस नहीं आके हमारे उसको ऊपर नहीं लेके आते। सो इसलिए मैं सोचा मैं सब जैसा नहीं बनना है, वापस आके हमारे लोगों को मेरा साथ ऊपर। तो जब आपने शुरुआत किया और शुरू शुरू में आप किसानों के पास गए होंगे बात करने के लिए, तो उन लोगों को आप कन्विंस कर पाए, कैसे कर पाए? नहीं, बहुत कि शुरू शुरू में सब लोग सोचा है क्या बोलता है एड़ा, उधर से आके सब, उधर सब कुछ था, घर सब कुछ था। okay. वो छोड़ के इधर सभी पूरा सॉफ्टवेयर छोड़ के इधर हमको सिखाने के लिए आ रहे हैं, सब लोग वैसा बोलने लगा। अच्छा। मैं कुछ आई स्टार्टेड द प्रेजराइजिंग द, मतलब उसको बोला पहले आपका बाप कैसा करता था, कैसा कैसे खेती करते थे, तो मतलब आपके लिए नया नहीं है, केमिकल फ्री खेती तो पहले ही करते थे, पहले करते थे, भूल गए बीच में आप लोग। सो हेल्थी था, वेल्थी था, बैंक में लोन नहीं था, 90 इयर्स 100 इयर्स था। सो एग्जांपल देख देख के उनको स्लोली कन्वर्ट कर दिया। तो शुरुआत में कितने लोग जुड़े और अभी कितने लोग पहुंच चुके हैं आप? शुरुआत में हम 250 फार्मर्स से कोऑपरेटिव सोसाइटी बना, अभी 12,000 से ज्यादा फार्मर्स है। क्या बात है, 12,000 लोग आपसे जुड़ चुके हैं और केवल मंडिया की बात कर रहे हैं आप? मंडिया की बात कर रहा हूं। तो आप लोग क्या करते हैं, मतलब प्रोडक्शन करते हैं, उसकी ब्रांडिंग करते हैं, लोगों से खरीदते हैं, करते क्या आप? वो बिजनेस अलग है, कमर्शियल पार्ट, क्योंकि सस्टेन होना चाहिए। अच्छा। हम क्या कर रहे हैं, आज से कंपनी सब लोग को ज्ञान दिला रहे हैं, ऑर्गेनिक करना है, मतलब विष नहीं डालने का, खाने के लिए ऑर्गेनिक करना है, वो हम ज्यादा वो काम अवेयरनेस काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस काम, उसको सस्टेन करने के लिए हमारा फार्मर्स ग्रो करता है ना, उसको वैल्यू एडिशन करके बेचते हैं हमारा दुकान में। साहब बहुत महंगे हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, इतना महंगा है कि मतलब मैं कभी 40 रुपए का कल मैंने अमरूद खरीदा, मैं 120 रुपए खरीदने का मतलब सोच नहीं सकता हूँ। साहब कुछ तो कीजिए इसके लिए, ऐसा कैसे होगा? मेरे ख्याल से स्केलेबिलिटी जो है उसी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। नहीं नहीं, सब लोग रोज बोलते हैं आई एम फार्मर, आई एम प्रो फार्मर, आई एम लाइक दिस, ये फार्मर को अच्छा प्राइस नहीं मिलना चाहिए क्या? बिल्कुल मिलना चाहिए। वो क्योंकि वी आर फार्मर को हरास करके आप क्या प्राइस बोल रहे हैं ना, वो प्राइस आप 30 रुपए देगा तो फार्मर को, वो हरासमेंट प्राइस है, उनको अच्छा प्राइस दीजिए, अच्छा खाना खाइए। तो ये जो अभी जो मुद्दा चल रहा है कि बहुत सारे इंटरमीडियरीज हैं, इसलिए कॉस्ट बढ़ जा रहा है, किसानों को कुछ नहीं मिल पा रहा है, आपके मॉडल में किसानों को
परसेंटेज वाइज अगर हम मोटा मोटा देखें तो कितना मिल जाता है? हमारा इसमें एटलीस्ट 60% किसान को मिलता है। ओके okay. क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्या है ना, हम मंडिया में ग्रो करके दिल्ली में भेजेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। वो पहला वो कॉन्सेप्ट छोड़ना चाहिए। फ्रेश लोकल उधर ही सेल करेंगे तो अच्छा दाम भी मिलेगा। हम रोज एवरी वीक क्या बोलते हैं फेयर करते हैं संते फॉर फार्मर्स, सो वो डायरेक्टली उधर ही आके बेचता है। आपकी कहानी इतनी फिल्मी है कि मतलब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अच्छा खासा सॉफ्टवेयर बेच रहे थे, आप वापस आकर के मंडिया में आपने ऑर्गेनिक खेती शुरू कर दी, सबको वापस किसान बना दिया। कितने सारे युवा हमसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम मैं वापस खेती शुरू करना चाहता हूँ। बड़ा इंस्पायर किया आपने, लेकिन एक बड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा है आपका स्वेट डोनेशन का। मुझे बताया गया कि वो बहुत सारे मूवीज में भी रिप्लीकेट किया गया। मेरे पास एक क्लिप है, बहुत छोटी सी क्लिप है, उसको देख लेते हैं फिर उसके बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं। महेश बाबू की जो कहानी आप देख रहे थे वो तो मधुचंदन की कहानी है, असली हीरो जो है वो हमारे साथ हैं। लेकिन क्या आप भी महेश बाबू की तरफ आपने ऐसे धान के खेत में लोगों को कहा भाई आप लोग आओ शहर से और यहाँ खेती करो, ये कैसे कैसे आइडिया आ गया? मैं एक दिन मंडिया में खेती में काम कर रहा था हमारा फार्मर्स के साथ, वो लोग बोला लेबर नहीं मिल रहा है। अच्छा, लेबर मतलब क्या? पसीना। हाँ हाँ बिल्कुल, पसीना नहीं मिल रहा है। सुबह उठ के जिम गया बेंगलोर में, जिम में पसीना निकल रहा था, इधर पैसा दे के पसीना दे रहे है, पैसा दे के पसीना दे रहे है, उधर फार्मर्स को चाहिए। मैं सोचा स्वेट डोनेशन, ब्लड डोनेशन होता है, सब अदर डोनेशन, स्वेट डोनेशन कॉन्सेप्ट लेके आया। सो फार्मर्स को, फार्मर्स और कंज्यूमर के बीच में लिंकेज नहीं था, उसको आपने जोड़ दिया, लिंकेज हो गया और फार्मर्स को वो फ्री में काम करते हैं, फ्री में काम करके 300 रुपए फार्मर को दे के जाता था। टूरिज्म, विलेज टूरिज्म, रूरल टूरिज्म को बढ़ाने का एक जबरदस्त, इसीलिए शायद एजुकेशन फील्ड में आपको अवार्ड दिया गया है। एक बार बहुत बहुत आपका स्वागत एक बार, और एक बार फिर से आपको बधाई। कुछ ऑडियंस के पास क्वेश्चन है जी, आपको करना चाहते हैं? मेरा नाम सुभाष कुमार ठाकुर है। सर से मेरा दो सवाल है। एक सवाल ये है कि सर ये आजकल एक आम धारणा है कि जब तक हम खेती में कीटनाशकों यानी पेस्टिसाइड्स का प्रयोग न करें तब तक उत्पादन नहीं बढ़ता, फसल हो नहीं सकता, उत्पादन सही होगा नहीं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल क्रॉपिंग, मगर पैडी डालेगा तो एक ही फसल आप लगातार करते जाते हैं, उसकी वैसा करेंगे तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। बिल्कुल, पैडी को एक ही न्यूट्रिशन चाहिए, कीड़ा को एक ही जगह में पूरा खाना मिलता है। सो क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड नहीं होता है, बहुत मुश्किल है। मगर इफ यू डू मल्टी क्रॉपिंग करेंगे ना, वो क्या हमारा पूर्वज भी वही करता था, मल्टी क्रॉपिंग 20-30 टाइप्स ऑफ करेंगे ना, वो प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि ईच एंड एवरी क्रॉप विल नीड अ डिफरेंट न्यूट्रिशन। सो मल्टी क्रॉपिंग करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होता। मतलब एक साल में कई सारे क्रॉप्स कीजिए और उसको अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, इसलिए वो उसका प्रोडक्शन अच्छा है। नेचर विल टेक केयर। अभी इफ यू टेक फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में क्या कौन डालता है फर्टिलाइजर, कौन डालता है पेस्टिसाइड? अच्छा सा नेचर को छोड़ दिया है ना, उनको पता है कैसा मैनेज करने को। अगला सवाल ले लेते हैं मधु। सर आपने जो ऑर्गेनिक मांडिया इस्टेब्लिश किया, इसमें आपको इनिशियल स्टेज में इसको इस्टेब्लिश करने के लिए स्टार्टअप इंडिया जो प्रोग्राम है उससे आपको क्या हेल्प मिली? स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम से रजिस्टर करने के बाद आपको बहुत बेनिफिट्स मिलता है। एक टैक्स ब्रेक मिलता है, टैक्स ब्रेक मिलता है, अदर देन उसके अलावा आप इंटरनेशनल एग्जीबिशन जाना चाहिए तो, और बार कोड चाहिए तो बहुत सब्सिडी मिलता है और बहुत प्रोत्साहन भी मिलता है। स्टार्टअप इंडिया से जुड़ना बहुत नेसेसरी है। आपने जो कंजम्पशन सेंटर बनाया अपना मंडिया, मार्केटिंग के लिए एक ऐसी छोटी जगह आपने कैसे डिसाइड किया? क्योंकि यूजुअली एंटरप्रेनर्स ये देखते हैं कि जो मार्केटिंग होगी वो दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, तो मंडिया जैसी जगह आपने कैसे डिसाइड किया? और यही बहुत सारे दूसरे एंटरप्रेनर्स को भी एनकरेज करेगा जो छोटी छोटी शहरों में हैं, जो अपने वहीं पर मार्केटिंग करना चाहते हैं, क्या इतना कंजम्पशन का पॉसिबिलिटी है? सो हम कैसा बिजनेस पे है तो हमारा घर में ही 5 कंज्यूमर्स है, सब लोग को अच्छा खाना चाहिए, सब लोग 100 साल जीना चाहिए। हमारा मंडिया में 20 लाख पॉपुलेशन है, मंडिया के नज़दीक में इस नॉर्थ में बैंगलोर है 1 करोड़ पॉपुलेशन है, साउथ में मैसूर है 50 लाख पॉपुलेशन है डिस्ट्रिक्ट में। हम
ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ हमारा आजू बाजू में है, पहले उनको खिलाने दो उनको खिलाने का तो हम 100,000-1,000 करोड़ रुपए का कंपनी बन जाएंगे। मधु, आपके फादर ने भी हमसे कुछ कहा है, आइए उनको सुन लेते हैं, उसके बाद उसका एक छोटा सा रिएक्शन लेंगे। जी, मधु चंदन इज एक्चुअली इज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आई डोंट नो हाउ ही हैज चेंज्ड टू एग्रीकल्चर, बट आई एम ए एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। वाई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आई एम वर्किंग एज ए साइंटिस्ट, सो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड माय मधु। नाउ द फार्मर्स आर अंडरस्टैंडिंग द मधुस वर्क, इज ए हार्ड वर्किंग पर्सन। आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम सपोर्टिंग मधु चंदन फॉर डूइंग दिस वर्क ऑल्सो। तो मधु, आपके पिताजी तो कह रहे हैं वो आपको नहीं समझ पाए, किसानों ने आपको समझ लिया, और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होने का कुछ फायदा मिला आपको क्या? मेरे फादर से क्या उससे फायदा नहीं मिला? हाँ हाँ। क्योंकि मेरा फादर अलग इससे आता है, तो क्यों किसान मुझे समझता है, मैं उनके भाषा बोलता हूँ। अच्छा। मेरा फादर इंग्लिश भाषा यूरोप भाषा यूरोप से एग्रीकल्चर बोलते हैं ना, इसलिए किसानों मेरे फादर को अंडरस्टैंड नहीं करता है। तो सिद्धि करनानी, जो कि आपके ऑर्गेनिक फील्ड से हैं, उनका भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। सिद्धि, आप तो 2200 किसानों के साथ जुड़ी हुई हैं, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, और कुछ अगर आप कहना चाहती हैं मधु से? जहाँ भी ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करते हैं तो आई थिंक सेम टाइप की चैलेंजेस आती है। इनकी स्टोरी सुन के भी वही लग रहा है, शुरू में किसान नहीं तैयार होते हैं अडॉप्ट करने के लिए, फिर आपको उन्हें थोड़ा कन्विंस करना पड़ता है, उन्हें दिखाना पड़ता है कि ऑर्गेनिक में क्या फायदा है, और फिर धीरे धीरे जब वो जुड़ने लगते हैं तो उन्हें खुद ही समझ आता है कि उनकी कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, अल्टीमेटली उनकी इनकम्स भी बढ़ रही हैं। और जो एक बात सर आपने कही कि भाई इतना महंगा है, 40 रुपए का सामान 120 रुपए में है, तो उसमें आप अगर ये देखेंगे कि आप मेडिकल और एलोपैथी मेडिसिन पे जो खर्चा कर देते हैं, जो प्रॉब्लम हमें खाने में जो केमिकल्स होते हैं उसकी वजह से जो हमें होती है, काफी रिसर्च रिपोर्ट्स। अगली बार मैं फूड कॉस्ट और हेल्थ कॉस्ट जोड़ करके काउंटिंग करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद माल साहब, आपका कमेंट मधु चंदन के इस ऑर्गेनिक रिवॉल्यूशन पे, और ये तो मांडा को बनाना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है पूरे देश को ऑर्गेनिक बनाने की जरूरत है, जिसमें सिद्धि भी बहुत बड़ा बेहतरीन काम कर रही है। मैं सवाल पूछना चाहूंगा मधु से कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं या करनानी जी बात कर रही हैं मेघालय जहाँ नॉर्थ ईस्ट में, परिभाषा क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक, क्योंकि उसके ऊपर मेरी एक टिप्पणी आने वाली। मधु, ये जानना चाह रहे हैं ऑर्गेनिक को डिफाइन कैसे करते हैं आप लोग, क्योंकि ये बड़ी समस्या है। जी, बहुत अलग अलग डेफिनेशन है हमारा। बहुत सिंपल है, सुभाष पालेकर जी का जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, वो सिमिलर टू आवर एंसेस्टर का फार्मिंग प्रैक्टिस वैसा ही था, गो आधारित कृषि बोलते हैं, वो हमारा प्रैक्टिस है। आप खेती से जुड़े हैं और मैं भी खेती से जुड़ा हूँ, बहुत बहुत ऐसे काबिल लोगों की आवश्यकता है। तीसरी बात, ये बात हुई किसानों को पैसे मिलने चाहिए, हिंदुस्तान में किसान को 20 पैसे मिलते हैं हर एक रुपए में, रुपए की कीमत मेरे घर में पहुंचती है तो किसान को 20 पैसे मिलते हैं, देश विदेश में 60-70% होना चाहिए जो मधु अचीव कर चुके हैं अपने, बहुत बढ़िया बात। और इन्होंने जो और मैं थोड़ी देर लगाऊंगा ये रिस्पॉन्सिबल फूड और ऑर्गेनिक फूड पे, देखिए किसान का बच्चा होता है खेती, उसकी खेती की जान के ऊपर कभी आंच आ जाए तो कोई भी दवाई जरूरी है। अगर आप बिल्कुल वो तो कहते हैं इसी डेफिनेशन में फंसे रहेंगे तो आप अपने खेत को बचा नहीं सकेंगे, आज ये बीमारी कल वो बीमारी, सोच समझ के करना चाहिए। दूसरी बात, जिस तरीके से हम आज ऑर्गेनिक फूड की बात करते हैं, भाई आप जैविक बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक बात कर रहे हैं, बहुत डेफिनेशन है, कम से कम दवाई, कम से कम फर्टिलाइजर ऑफ दी अदर ऑफ दी मैन्युफैक्चर्ड वैरायटी। जी, कम से कम। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस एक्सपर्ट कमेंट के लिए। एक छोटा सा मैं ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद हम चलेंगे अपने तीसरे स्टार की ओर और देखेंगे उनकी कहानी, और शायद वो आपके ही एक समस्या का समाधान करने वाली कहानी है। कहीं मत जाइए, देखते रहे हमारा खास कार्यक्रम स्टार्टअप। Railway Finance Corporation Limited proposes an initial public offer of equity shares. The book built issue is being offered at a price band of Rs. 25 to Rs. 26 per equity share.
Issue opens on Monday, January 18th, 2021. Issue closes on Wednesday, January 20th, 2021. For risk factors and other details, please refer to the Red Herring Prospectus dated January 12th, 2021. Available on the websites of SEBI, BRLMs and the stock exchanges. 9 to 5 job, are 5 to 9 job, bhag daud, all the time job. The roaming wala job, the deadline wala job, or are you living in the market wala job? जिंदगी में मौके ही मौके हैं. अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट. ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस. अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट. अब लाइफ सेट है. ISI. मम्मा ISI. नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा. पापा ISI. गेट रेडी बेटा. मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें. ISI मार्क, जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित. विश्वसनीय ISI मार्क. स्वागत है आप सभी का. आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्टार्टअप चैंपियंस. और इस हिस्से में अब हम थोड़ा सा सर्विस सेक्टर की तरफ बढ़ेंगे. और अभी तक हम लोग ऑर्गेनिक की बात कर रहे थे और हेल्दी खाने की बात कर रहे थे. तो घर का खाना सभी लोग मिस करते हैं. हमारे एक ऐसे स्टार्टअप हैं जिन्होंने इसी समस्या के समाधान के लिए, यानी आपको घर का खाना कैसे मिल जाए, तो उसके लिए एक कारोबार का स्वरूप दिया. वो सफर आगे निकल चुका है. उस सफर पर हम एक लोग एक बार निगाह डालते हैं. उसके बीच में अगर आप फूड क्लाउड से खाना ऑर्डर करना चाहते हैं, तो ये जैसे ही स्टोरी खत्म होगी, मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद वो आप तक डिलीवर हो जाएगा. आइए देखते हैं फूड क्लाउड की ये स्पेशल स्टोरी, और उसके बाद हम चर्चा पर वापस लौटेंगे. 47 साल की ममता कालरा दिल्ली में रहती है, अपना घर संभालती है और बीते 5 सालों से कुछ अनोखा भी कर रही है. ममता अब दिल्ली के एक सफल स्टार्टअप का हिस्सा है और अपने घर पर ही अपनी पसंद का खाना बनाती हैं। ये स्टार्टअप इन्हें घर पर ही ऑर्डर देता है. इनके घर से ही घर का बना ताजा खाना लेकर ऑर्डर को सही जगह पहुंचाने में मदद करता है और ममता को घर बैठे ही पेमेंट भी हो जाती है. ममता स्टार्टअप फूड क्लाउड की होम शेफ है. ममता जी, क्या बना रही हैं आज? मैं गाजर का हलवा और मैं दाल पकवान बनाने लगी हूँ. तो आप फूड क्लाउड से कितने सालों से जुड़ी हैं? मैं लगभग 4 सालों से फूड क्लाउड से जुड़ी हुई हूँ. और फूड क्लाउड से मुझे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आया मेरे अंदर कि हाँ, मैं खाना बाहर, मेरा खाना बाहर भी लोग पसंद करते हैं. मैं लगभग 5 to 6 आवर्स का लेती हूँ टाइम, कि मुझे जो प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए होता है. और फूड क्लाउड के थ्रू आपको लगता है कि आप जैसी हाउसवाइफ्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है? बिल्कुल बिल्कुल. मैं तो खुद अपने लिए बता रही हूँ कि अब तक मेरा खाना कभी बाहर नहीं गया था और ऐसा कोई कॉन्फिडेंस भी नहीं था. घर में ही नॉर्मल बनाते थे और खाते थे, लेकिन फूड क्लाउड के थ्रू मेरा खाना बाहर गया और लोगों ने अप्रिशिएट किया, तो एक कॉन्फिडेंस तो आया ही है. साल 2015 में सांची, वेदांत और शमित ने शहरों में रहने वालों की एक दुखते रग को पहचाना और वो परेशानी थी घर का खाना ना मिल पाने की. We love food. We love food that our friends' mothers cook and our aunties and uncles cook, and we just wanted access to all the food. Food Cloud के entrepreneurship ने दिल्ली NCR के साथ साथ दूसरे कुछ शहरों में भी homepreneurs के साथ हाथ मिलाया है और घर बैठे अपने हुनर को निखारने के साथ साथ लोगों को शुद्ध देसी घर का खाना आसानी से मिल जाता है. For us, we have always been vocal for local. That has been our sort of flagship motto, you know, with Food Cloud. So I think a lot of people opted to choose, like, to order from Food Cloud and from Home Chefs rather than from an MNC, you know, chain or something of that sort. And we saw that uptake in the orders. 5 सालों के सफर में Food Cloud ने भी कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन जब वो अपने होम शेफ्स के चेहरों पर मुस्कान देखते हैं, तो एक अलग सा सुकून मिलता है. और अगर आप अपने काम से किसी की जिंदगी को सेहतमंद बना सकें, तो इससे अच्छा काम क्या हो सकता है.
क्या बात है वेदांत भाई, ये तो मुझे लग रहा है कि आप डिजिटल मीडिया के बाद ये फूड क्लाउड ये सब कैसे हो गया साहब, बीच में डिलीवरी सिस्टम में चले गए आप? तो मैं एक्चुअली ये बताना चाहता हूँ कि मैं फूड ही में था. मैं जब 10 साल का था तब से मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया था. मुझे खाना बनाने का बहुत शौक था बचपन से. तो पहली बार क्या बनाया आपने? मेरे ख्याल में पनीर मखनी बनाई थी पहली बार. अच्छा. तो बचपन में शौक था, खाना वाना बनाते थे. फिर अमेरिका चला गया पढ़ाई करने के लिए. वहां फिर मैंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की. तो जिस कॉलेज में था मैं, कार्नेगी मेलन में था, तो वहां पे टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा, उस टाइम फेसबुक बॉर्न हो रहा था मेरे सामने, आया फेसबुक जब मैं वहां पे था कॉलेज में. तो उस टाइम मैंने एक चीज सीखनी शुरू की जिसको हम बोलते हैं आज की डेट में शेयर्ड इकोनॉमी. तो पहले ये शेयर्ड इकोनॉमी कंटेंट में आया. बिल्कुल बिल्कुल. तो डिजिटल मीडिया का वहां से मुझे कॉन्सेप्ट मिला. okay. और वो शेयर्ड इकोनॉमी का एक बिलीफ हो गया. कि अपने फूड में डाल दिया आप, समझ में. तो इसको मैंने अपने पैशन, जो बचपन का पैशन था, उसके साथ जोड़ा. साथ में जब मैं इंडिया वापस आया तो मैंने देखा कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो घर पे बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट खाना बना रही हैं, और उनके पास बहुत लिमिटेड एवेन्यू है. कोई उनके घर दोस्त या फिर रिश्तेदार उनसे खरीद लें या उनसे मंगवा लें खाना, पर कोई एक ऑर्गेनाइज तरीका नहीं है इस चीज को करने का. और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में जितने भी मेरे फेवरेट मील्स हुए हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, वो किसी के घर पे ही हुए हैं. तो इस कॉन्सेप्ट को फिर वहां से एक बढ़ावा मिला और एक आइडिया आया दिमाग में. धीरे धीरे हमने करना शुरू किया. तो पहले तो 30 ऐसी ही महिलाओं से बात की जो घर से खाना बना रहे थे. तो हमने उनको पर्सनली फोन किया. उन्होंने, उनको भी समझ में नहीं आया कि हमारा खाना बिक सकता है. आप बेचोगे, डिलीवरी करवाओगे, क्या होगा? तो वहां से शुरू हुआ. आज की डेट में हमारे पास 5,000 से ज्यादा महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और मेरे ख्याल में लगभग 100 से 125 महिलाएं हर महीने जुड़ रही हैं हमारे साथ. और तो वेदांत, ये बताएं कि जब आप ये जो सांझी और अमित जो आपके पार्टनर्स हैं, वो फिर कैसे मिले आप लोग? तो आप बोल सकते हो मैं खाना बनाता हूँ, सांझी खाती है. तो सांझी मेरी मेरे से रिलेटेड है. okay. हाँ, तो मैं उनको बचपन से जानता हूँ. उनका भी एक तो विमेन एम्पावरमेंट में और यू नो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट और योगदान रहा है. नहीं? और उन्होंने बहुत बड़े बड़े ब्रांडों के साथ काम किया है डिजिटल मार्केटिंग में. तो उनको भी कॉन्सेप्ट समझ में आया. उनको खाने का बहुत शौक है जैसे उन्होंने अभी बताया. कि तो इसी तरीके से हमारा एक साथ हुआ. शमित टेक्नोलॉजी में एक आप बोल सकते हैं कि सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर हैं. okay. जिन्होंने कलकत्ते से अपनी जर्नी शुरू करके दिल्ली में आके बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी की कंपनी शुरुआत की. तो हम तीनों ने अपना एक कॉन्सेप्ट, अलग अलग टैलेंट को एक साथ जमा करके इस कंपनी को शुरू करने का सोचा. ये समझाइए कि बिना अमेरिका गए, बिना आईएम के, आईटी के भी कुछ हो सकता है? नहीं, ये सबसे बड़ी समस्या. उससे तो लेट हो जाते हैं, 10 साल पहले शुरू कर देते हैं. तो सब लोग अमेरिका से वापस आके फिर क्यों यहाँ के? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. अगर आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स कभी शायद स्कूल कॉलेज नहीं गए हैं. अगर आप मेरी फैमिली की बात करें, मेरे दादाजी मेरे ख्याल में 5वीं तक पढ़े हुए हैं, और उन्होंने भी इनकी तरह एग्रीकल्चर में बहुत काम किया है. okay. और मेरी तरह कहीं फूड में काम किया है, कि वो चाय से उनका संपर्क था और नॉर्थ ईस्ट से संपर्क था. तो ऐसा कुछ चाय भी नहीं से है. बहुत सारे लोगों का संबंध है. बिल्कुल, रोज पीते हैं लोग. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. आप मेरे ख्याल में किसी भी उम्र में, किसी भी फील्ड में कुछ भी स्टार्टअप कर सकते हैं. पहला शेफ याद है? पहला शेफ याद है आपको कौन सा था? बिल्कुल याद है मुझे. वो शमित की वाइफ थी. अच्छा. तो बहुत सक्सेसफुल होम शेफ हैं. हाँ. तो उनके साथ ही हमने जर्नी शुरू किया कि आप करोगे क्या हमारे साथ. okay. उन्होंने बोला हाँ, क्यों नहीं करेंगे, हेल्प होगी तो करेंगे. ये बढ़िया है ना, मतलब पार्टनर के बिल्कुल पहले, सबसे पहले उनको टेस्ट किया. आई ऑलवेज बिलीव कि एवरीथिंग स्टार्ट्स एट होम. जैसे इन्होंने बोला मधु जी ने कि भाई घर पे ही 5 कंज्यूमर है, शुरू तो वहीं से हो जाएगा. हाँ. तो ऐसे ऐसे शुरू किया. फिर हमारे बहुत सारी स्टोरीज हैं हमारे होम शेफ्स के बारे में. एक दो मैं बताना चाहूंगा कि बिल्कुल हमारे साथ जो हमारी ओरिजिनल 30 महिलाएं हैं वो आज तक जुड़ी हुई हैं, मैं बोल सकता हूं. बहुत बढ़िया. और हमारे साथ जो आज की डेट में हमारी ओल्डेस्ट होम शेफ हैं, वो एक 93 साल की नानी है. उनका खाना बहुत ही प्रचलित है दिल्ली एनसीआर. हम देख लें. बिल्कुल दिखाइए.
ये प्रभावती जी हैं, पर ये महाराष्ट्र, ये कुछ साउथ इंडियन बना रही थी? नहीं, ये ढोकला बना रही थी एक्चुअली। प्रभावती जी वैसे ओरिजिनली गुजरात से बिलोंग करती हैं। आपको पता ही है दिल्ली एनसीआर में गुजराती फूड और ऑथेंटिक गुजराती फूड मिलना बहुत ही मुश्किल है, तो इनका बिजनेस बहुत बढ़िया चलता है घर से। इन्होंने ज्वाइन किया हमें इनके पति के देहांत के बाद, तो जैसे ममता जी ने बोला एक कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, टाइम फ्री हो जाता है, तो ये एक उनके लिए बहुत बड़ा पैशन बन गया, एक प्रोजेक्ट बन गया, जिन्होंने उनको आपने एक मकसद दे दिया। हाँ, मकसद दे दिया, दैट्स द करेक्ट वर्ड, दैट्स द करेक्ट वर्ड। और मैं इनके बारे में बताना चाहूंगा, इन्होंने हमारी सुपर शेफ है ये। हाँ, तो लाखों का धंधा कर चुकी है हमारे प्लेटफॉर्म पे ये। अच्छा। और फाइव स्टार रिव्यूज हैं इनके सारे, तो इनका खाना बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट हुआ है। तो कभी किसी दोस्त ने आपको मतलब फंसाने की कोशिश की कि यार मैं किसी खास आदमी को अपने घर पे बुला रहा हूँ और मेरे को खाना बनाना नहीं आता, प्लीज बचा लो भाई, आज कुछ भेज दो, ऐसा कुछ हुआ? हमारे मॉडल के साथ आप बोल सकते हैं कि जब घर पे खाना आ जाता है तो अक्सर लोग बोलते हैं हम ही ने बनाया है। अच्छा, तो ये नहीं बोलते कि फूड कोर्ट से मंगाया है। वेदांत, रैपिड फायर एक बार जल्दी जल्दी, मैं कुछ सवाल है। श्योर। आप ये बताएं केवल आप दिल्ली और बंगाल में भी हैं? नहीं, हम दिल्ली एनसीआर, कोलकाता, मुंबई में हैं। हाँ। इसके अलावा जो जैसे मट्टी, जो ड्राई गुड्स हैं, वो हम 50 सिटीज में डिलीवर कर चुके हैं इंडिया के अक्रॉस ऑलरेडी। तो अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है कि हम और शहरों में जाएं और महिलाओं को हमारे साथ जोड़ें और साथ में इंटरनेशनल एक्सपेंशन की तरफ देखें। कल को जॉर्ज सोरोस साहब से आपको $1 मिलियन मिल गया तो क्या करेंगे आप? अगर $1 मिलियन मिल गया तो मेरे ख्याल में हम 3 साल में 1 लाख महिलाओं को ₹50,000 महीने की आमदनी देने की क्षमता रखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और चलते चलते हमने एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। सिद्धि करनानी, आप कुछ कहना चाहती हैं आज के हमारे इस एपिसोड में किसी भी एंटरप्रेन्योर से? जी, अभी जैसे इन्होंने अपना क्लाउडनेक्स्ट के बारे में बताया, तो ये तो बिल्कुल बहुत ही एक हाई डिमांड बिजनेस है, क्योंकि हम भी अपने काम के लिए बहुत ट्रैवल करते हैं और बिल्कुल ही होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स का खाना खा के परेशान हो जाते हैं। तो अगर होम कुक फूड मिले तो बहुत अच्छा है। एक चीज जो मैं इनसे समझना चाहती हूँ वो ये है कि जो अपनी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, चाहे फूड सेफ्टी का लाइसेंस, फसाई वगैरह का हो गया, तो ये क्या ये अपनी होम वुमेन एंटरप्रेनर्स को उसमें भी मदद करते हैं? इसका जवाब है इनके पास, वेदांत जल्दी से जवाब दीजिए। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो FSSAI और फूड क्लाउड का बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है। हमारी सारी महिलाएं जो भी लाइव है हमारे प्लेटफॉर्म पे, सारे लोग FSSAI से रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा हम FSSAI के साथ उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। कोविड में हमने कोविड स्पेसिफिक FSSAI के साथ बहुत सारा ट्रेनिंग दिया है हमारे महिलाओं को। और लास्ट ईयर गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं, FSSAI ने हमें 2019 में बेस्ट स्टार्टअप का अवार्ड दिया था फॉर कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड गेटिंग ऑल दीज पीपल ऑन बोर्ड। चलिए, तो सिद्धि बहुत बहुत धन्यवाद सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल से हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपकी जर्नी से बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए हैं। मुझे उम्मीद है आज के जो तीनों स्टार्स हैं हमारे इस शो के, उनसे भी बहुत सारे युवा जरूर प्रभावित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो स्टार्टअप चैंपियंस के आज के पहले एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा माधव क्षत्रिय, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। मधुचंदन, इतने दूर से आपने आकर के हमारा साथ दिया, और आप ये जो खूब आपकी जो सुगंध है ना चंदन की, वो अब और भी फैलाते रहे, यही उम्मीद है। और वेदांत, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप तो हर घर में घुसिए और अपनी खुशबू वहाँ पे फैलाइए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, और आप सभी ऑडियंस का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों के प्रोग्राम पसंद आया, और अगर आपको कुछ इंस्पिरेशन मिलता है तो हमें जरूर अपनी कहानी लिख भेजिएगा। तो फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, लेकिन ये सफर लगातार जारी रहेगा, और आज हमने एग्रीकल्चर से शुरुआत की है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे स्पेस सेक्टर की, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, बहुत सारी समस्याओं का समाधान करता है। तो क्या स्टार्टअप इकोसिस्टम देश के ग्रैंड चैलेंजेस का समाधान ढूंढने में कुछ मदद कर सकता है? सीरीज इसी पर हम लगातार कर रहे हैं, और ये जो सफर है लगातार जारी रहेगा। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।